गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शरीर तंदुरुस्त होंगे। तो भाई मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई फ्री वॉर का जो है ये वाला एपिसोड जो कंटिन्यू करो वो तो कंटिन्यू रहेगा, पर मैं अल्टरनेटिव करके जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम भी लाता रहूँगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम थोड़ा बड़ा है ना, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो ला नहीं सकता इतना जल्दी। तो मैं ऑल्टरनेट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्री वर्क करके एपिसोड नंबर 9। तो जो यन हाउ ने जो तीर छोड़ा था मिस यन के ऊपर, उससे बड़ा सा धमाका होता है, और पीछे जो ये है वो बोलता है मेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं है, है ना। तभी जो है धमाके के अंदर से मिस यन की आवाज़ आती है, क्रिस्टल फॉर्म एक्टिवेटेड। तभी इसकी ये बात सुन के जो मास्टर यन होता है वो बोलता है कि उसने क्रिस्टल फॉर्म स्टार्ट कर लिया है। तभी जो है यन हाउ के पापा बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। तभी ये वो बोलता है अरे यार ऑसम मेरी बेबी ऑसम। तभी जो है उस धमाके के अंदर एक और बड़ा सा धमाका होता है, उस धमाके के अंदर से मिस यन जो है एक एंजल की तरह निकलता है और बोलती है कि यन शन तुम उन्हें रोको और मैं इनहेरेंटर्स को ले लूँगी। और मिस यन की ये ऑर्डर मिलते ही जो मास्टर यन है वो बोलता है सब लोग जाओ जल्दी जाओ और अंडरग्राउंड पैलेस को जो है रक्षा करो। तभी सारे के सारे जो डिसाइबल होते हैं वो लोग बोलते हैं यस सर हम लोग अभी जाते हैं। तभी जो है यन हाउ के पापा चिल्लाते हुए बोलते हैं उन लोगों को रोको या फिर मार दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे बेटों को वो इनहेरिटेंस मिलना चाहिए। तभी जो है यन हाउ के पापा का जो सारे के सारे डिसाइबल थे वो लोग बोलते हाँ सर हम लोग अभी जाते। तभी जो है मास्टर यन और यन ताऊ के पापा के सारे डिसेबल के साथ बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तभी जो है लड़ाई के बीच से जो है आग का टुकड़ा ये यू के पिछवाड़े पे आके लगती है और उसका पिछवाड़ा जलने लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे यार गलत निशाना मार दिया, अरे मेरे पिछवाड़ा जला दिया यार। तभी जो है मास्टर यू और यान हाउ के पापा एक साथ बोल पड़ते हैं कि जल्दी जाओ और इनहेरिटेंस को ले लो। तभी जो है यू वहाँ पे अपना पिछवाड़ा बुझा के उठा ही था, तभी जो है उसके सिर में एक पत्थर आके गिरता है और वो चिल्लाने लगते हैं अरे यार मेरे किस्मत में ये क्या है भाई साहब, कभी पत्थर कभी आग, भाई लगते ही जा रहे हैं यार रुको तुम लोग। तभी जो है ये वो बड़े गुस्से में यन हाउ और मिस यन जहाँ पे लड़ रहे थे तब वहाँ पे उंगली दिखाते हुए बोलता है कि अरे यार तुम लोग और जाके लड़ो ना, तुम यहाँ पे फिर से आए ना तो मैं जो इनहेरिटेंस को नष्ट कर दूंगा यहाँ पे। तभी जो है यन हाउ बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हाथों में अपनी एनर्जी लाते हुए बोलते हैं तुम मर जाओ अभी के अभी, और यन हाउ का जो है पावर ये के ऊपर लगती है और ये जो है वो चिल्लाते हुए बोलते अरे यार फिर से नहीं, और वहाँ पे जो है बड़ा सा एक धमाका हो जाता है। जब धमाके की धुआं छटता है तभी दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, और वो तभी बहुत गुस्से में बोलता है कि अरे सब लोग मुझे मारना चाहते हैं, तुमको क्या लगता है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ क्या। तभी जो ये भागते हुए टेम्पल के गेट की तरफ जाता है और बोलता है कि मैं सारे के सारे इनहेरिटेंस को अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी जो है मिस यान चिल्लाते हुए बोलते हैं अरे नहीं, और ये सब देख के यान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो भी ये के पीछे भागने लगता है। तो इसी भागदौड़ी के बीच हमारे ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। मेरे को पता है भाई वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, पर मैं क्या करता भाई, जो एपिसोड ही है इतना सा था। तो भाई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और भाई शेयर ज़रूर से कर देना और कमेंट भी कर देना, क्योंकि भाई कमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई नया वीडियो कंटेनर मतलब पता ही होगा जो भी है। और भाई ये ज़रूर बताना कमेंट में कि मैं फ्री वर्कर चालू करूँ या फिर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम चालू करूँ, वो ज़रूर बताना। कौन सा वाला लेटेस्ट एपिसोड चाहिए आपको वो ज़रूर से बताना, क्योंकि भाई वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाय बाय टाटा एंड पीस आउट।